हेलो दोस्तों, स्वागत है एक होर वीडियो दे विच। फूकट दे विच अज अपना तकरीबन पहला दिन ही है। वैसे तो कल आ गए सी पतौंग वाला एरिया। अज आप देखते हैं पतौंग बीच, पतौंग की नाइट लाइफ पूरा एरिया। अज दिने भी आप एक्सप्लोर करांगे ते रात नू भी। नाइट लाइफ बंगला रोड ते इत्थे वधिया हुंदी आ, वह भी पतौंग बीच के नाल ही है। तो साढ़े होटल तो तकरीबन 500-400 मीटर दूर ही सी। अज आप एक दो टूर पैकेज भी बुक कराने हैं। इतने 100-150 मीटर तो थोड़ा टूर वाले तो बेहिसाबे मिल जाएंगे। सारिया तो अपना अपना रेट ट्राई करो, जिते सस्ता मिलता करा लो। असी फीफी आईलैंड जाना है, बाकी होर बैग बुद्धा एक दो टूर लेने हैं, क्योंकि टैक्सी लैके इतने सारा कुछ दूर दूर आ ज़्यादा महंगा पेगा। इस करके मोटिया मोटिया 2-4 चीज़ा आप टूर पैकेज के नाल देख लाँगे, वह भी बुक करावे, वो भी प्राइस दसागे। इतों ले लिया आप टूर पैकेज 2 ले आ, जिमें अगलिया वीडियो के आप टूर पर चलोंगे नाल दसांगे। बहुत सारिया दुकाना तो इतने मैं ट्राई किया, सब तो सस्ता इतने से। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं होंगे, 100-200 बात का फर्क होंगे। मैनू ठीक लग्या, लै लिया। वैसे तो रेट बहुत ज़्यादा होंगे, जिमें फीफी का ही 3500 बात एक जाने का मंगते हैं। बाद डिस्काउंट डिस्काउंट दे के काफ़ी सस्ते मिल गए 2 पैकेज। जिहड़े दिन आप जो ट्रिप करांगे उस पैकेज का रेट नाल डिटेल नाल समझावांगे। हुण चले हां पतौंग बीच वल। इतने से साडा होटल तो नाल ही सामने निकल के आह रेस्टोरेंट आ जाते हैं। इधर इंडियन रेस्टोरेंट भी है, सैव सारा कुछ नाल है। टूरिज्म वाले तो 50-50, 100-100 मीटर से हरेक रेस्टोरेंट से हरेक दुकान से बैठे है, आप दिया स्टॉला लाई भी बैठे है। आ थाईलैंड की टॉप टैक्सी कैंटर वगू चलती है जी, बाकी ठीक है। और सामने जोड़ा रोड जाता है बंगला रोड में ही जाता है, ये भी तकरीबन बंगला रोड ही है। इनू क्रॉस करके नाल ही बंगला रोड शुरू हो जाता है। आप इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं, हम रोटी खानी है। वैसे तो हर रेस्टोरेंट भी वधिया, फास्ट फूड इतने वधिया मिलता, वेज च भी है, इनू भी आप ट्राई करेंगे। पर हजे तो पहला दिन ही है, हम अज रोटी खावे। इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे आ। रात बंगला रोड पर गए थे, बहुत ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट सके। एक चो रोटी खाती भी है, बटर चिकन लिया से, इंडिया वाला टेस्ट तो खैर नहीं होंगे। चलो कोई नहीं, अज आप नवा ट्राई करांगे। टैक्सी नो बंगला रोड वाल जाते रास्ते थोड़ा इस तरह का समान मिलेगा। मोटरसाइकिल खड़े आ 350-300 बात लेंदे एक दिन का जो रेंट करना। तो इंडियन लसेंस से भी हो जाता है, उस तो बिना मसाज सेंटर रेस्टोरेंट सारे के बाहर टूरिस्ट इनफोरमेशन वाले पैकेज बेचने वाले बैठे आ। तुम कितों भी पैक लै सकते हैं जितों सस्ता पैंदा है। उस तो बिना बहुत सारे फ्रूट दियाँ रेहड़ियाँ, जूस जां मैंगो राइस, कच्चा अंब, आ कुछ अरेबिक जिहा रेस्टोरेंट लगता। इस तरह के सारे जिवें जिवें आप तुरे जावे राह च मिलते आते हैं। इधरली साइड रेहड़ियाँ लगियां, रेहड़ियाँ तो इन्हां दे साफ सफाई बहुत ज़्यादा होंदी है, सारा कुछ फ्रैश बना के जाते हैं। जूस च बर्फ बुर्फ बहुत पाउंदे आ, उह पहलां कह दिओ। आ 7-Eleven डेली दी जरूरत दी चीज़ा खरीदनिया हूँ। तो सामने आ गया पतौंग रोड होटल वाल चलद, सामने बंबे किचन इंडियन रेस्टोरेंट आ गया। हूँ ये चल के ट्राई करांगे की कुछ मिलता। आ रेस्टोरेंट का मेन्यू देख लो मेरे सामने। पताया बैंकॉक के मुकाबले इधर सारे रेस्टोरेंट थोड़े जे महंगे आ। तुसी पॉज करके देख सकते हैं खाने का रेट मोटा मोटा मैं दिखा दिना। असी 2 आलू पराठे तो 2 चाह मंगाई है। चाह का वड्डा गिलास दिता है, काफ़ी ज़्यादा लगती है। खा ली असी रोटी, 2 आलू पराठे 2 चाय, तो बटर एक्सट्रा लेना पाया 360 बात वह बिल आया। पर चाह का तो आलू पराठे का जोड़ा टेस्ट से ना, वो जमा घर वाला ही स्वाद से। बंबे किचन है शायद रेस्टोरेंट का नाम, शुरू चीज़ देखे। हूँ आप चलते अगे। वह मेरे सामने आ गया बंगला रोड। ट्रैफिक फूकट के काफ़ी ज़्यादा आ, पर रोड क्रॉस करने वास्ते कहते लाइटा वगैरह है नहीं। आसा पासा देख के तुहानू तो क्रॉस करना पैंदा, पर गड्डियां वाले रोक लेंदे आ, समझदार है, गड्डियां रुक जांदियां। पूरा दिने तो हजे खाली पिया, सुन सराम पिया, कारां कूरां चली जांदियां, पर रात नू तो बहुत जबरदस्त माहौल हो जांदा। मेरे सामने आ गया टाइटेनियम क्लब, काफ़ी वड्डा क्लब आ, सोहना बनाया। इधरले पासे उही फ्रूट वालियां रेहड़ियां लगियां, इन्हां तों मैंगो राइस जां होर जूस जूस मैंगो शेक कुछ भी पी सकते हैं। खाली पिया, हल्के फुलके लोग तुरे फिरदे आ। आ गया बीच वाला राह, क्रॉस करके चलते हैं बीच। देखो गड्डिया भी लंघी जाते हैं, लोग भी लंघी जाते हैं, पर गड्डी खड़ जाती है नेड़े आके। पतौंग बीच की कई जगह तो एंट्री हो जाती है। आप बंगला रोड के सामने की है,
आ जेट स्की खड़ियाँ बहुत सारिया वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंदियाँ इत्थे पैरासेलिंग बनाना राइड जेट स्की तुसी खुद रेंट ते लैके आप चला सकते हो रेट ये काफ़ी मंगते होंगे उन्होंने तुसी घट वध कर लियो ये मैनू कहिंदे इंडिया नूं जिन्ना रेट दसी दा उतू अद्धा बोलदे आ लैणा कहिंदे गोरियां नूं जिन्ने कह दे उन्ना ही फड़ा देईदा पर रेट घट वध करना जरूरी है गोरे तो इन्हों फड़ा देंगे उन्ना आप नहीं फड़ा सकते दूर तक फैलिया है बीच वो दूर पहाड़ नज़र आते हैं गोवा वांगू पहाड़ी इलाका जै कुछ लोग स्विम करी जाते हैं पानी के बिच है बाकी सारे पिछे हट के कुछ दरख्तों थले बैठे आ पे आ कुछ बीच चेहरा लैके छतरियां लगियां गर्मी बहुत ज़्यादा है धुप्पे बहना या तुरे फिरना पॉसीबल नहीं अपने लिए फिर भी माड़े मोटे गोरे गोरे तो धुप्पे फिरते हैं पर धुप बहुत करड़ी है गर्मी अपने मुकाबले ज़्यादा है बीच के किनारे सड़क ते आ लगियां रेहड़ियां खाण पीण वालियां आप इतों जूस लै लीए क्योंकि गर्मी ना बुरा हाल हो गया तुरे फिरदियां दा उस तो बिना होर भी चिकन चुकन इत्थे सारा कुछ मिल जाता है मैंगो शेक लिया सी 60 28 भात दा एक दोस्तों आपां पतोंग बीच ते हैं काफ़ी वड्डा बीच है इत्थे बहुत सारिया वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं लोग वीडियो दे विच मैं दिखाउणा पैरासेलिंग जेट स्की बनाना राइड जेट स्की रेंट ते लैके तुसीं खुद भी चला सकते हैं पैरासेलिंग एक बंदे वास्ते 1500 बात तो शुरू है वैसे ये घट वध कर लेंदे आ वो तुसीं आपदे हिसाब नाल कर सकते हैं दो जणे वास्ते भी हैगी है किन्ने किलोमीटर जाना काफ़ी लंबा गेड़ा दवाउंदे आ ये आपां भी लवांगे पर फिर किसी दिन इस वीडियो के मैं ऐड कर दूँ इस तो बिना बाकी बीच के उत्ते स्विम थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं बीच वड्डा इस करके भी घट घट लगता पर गर्मी ज़्यादा होने करके सारे दूर छावें दरख्तों दरख्तों के थले जां छतरियां दे थले आपदा छावें बैठ के इंजॉय कर रहे हैं खा पी रहे हैं उस तो बिना पिछे नाल 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 सड़क पर भी अंदर रेस्टोरेंट बने हैं स्टॉल लगियां वैज नॉन वैज जूस बीयर हर तरह की चीज़ मिलती है नाल ही 7-Eleven भी है तो एक दो होर भी सुपर मार्केटा सीगिया सारे दूर तक बाजार ही है तुसी खा पी भी सकते हैं मेरे पिछे ज़्यादातर लोग बैठे ही है स्विम करने वाले तो थोड़े ही है इक्का दुक्का वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करी जाते हैं कुछ पहाड़ी इलाका जहाँ फिट सामने दे दिया दूर तक आ पहाड़िया नाली बीच बनया इधर सारे बैठे आपदा हाँ मेरे सामने देख लो पैरासेलिंग का रेट उदू अद्धा ही कह के देखियो जिन्ना ये मंगते होंगे 1500 मंगते एक जने का इस तरह लै जाते हैं लंबा दूर तक गेड़ा कढ़ा के लियाँदे आ पैकेज के भी ऑप्शन होंगी भी 1 किलोमीटर जाना है जा कि 1 किलोमीटर वाले के रेट से 3 किलोमीटर इन्हों अड़ जाए बंदा उतों तक गेड़ा कढ़ा लियाँदे काफ़ी लंबा गेड़ा दे के आते हैं करांगे आपां भी अज तो मूड नहीं फिर किसी दिन आवेंगे नाल ही आ होटल के पतोंग बीच का अपने हुण आपां अगे चलते हैं क्योंकि बीच जिन्ना मर्जी देख लो बहुत वड्डा सेम ही है अगे चल के देखते हैं कुछ आए बंगला रोड से हुण उत्तों दी गेड़ा दे के चलते हैं ये बंगला रोड तो दूसरी साइड है इधर दी घूम के चलते हैं आ पंजाबी रेस्टोरेंट बंगला रोड के नेड़े ही आ जाता जिथों आपां पहला एंट्री की सी उत्थों गर्मी ज़्यादा सी बीच तो बुरा हाल हो गया एक बारी तो असं उधरों वापस आ गए पड़दा जी भी इतने ज़्यादा बनती है मेरे पिछे ही बंगला रोड है अगे बीच तक जाता हूँ आप शॉपिंग कर चले हाँ आ मॉल का नाम है शॉपिंग कर नहीं मेरा मतलब से शॉपिंग सेंटर चले हैं ये अंदर थोड़ी बहुत ठंड होगी पिछे दूर तक बनया हुआ आह तो ये ठीक नाल ही है सेंट्रल मॉल थाईलैंड के वधिया होंगे आ पेल आप इसमें जाके देखे आईए यदा ना औखा जहा सामने थोड़ा दिखता उस तो बाद चलेंगे आप सेंट्रल मॉल कुछ टाइम बैठते हैं उदू बाद रात को नाइट लाइफ भी दिखाउणी है बंगला रोड की बहुत वधिया होंदी है वीडियो च बने रहो मॉल ये है तो एक फ्लोर पर ही है पर
काम का समान तकरीबन सारा मिल जाता, ब्रांड में चंगे भी है तो बजट वाले भी है। दोस्तों असी वापस आ गए सी बीच तो बाद होटल, हम दोबारा चले हैं पतौंग बंगला रोड जो कि नाइट लाइफ मशहूर है फुकट की ज पतौंग एरिए। जैसे असी रोड से तुरे जाने ये बंगला रोड तो एक पहला वाला रोड है, रौनक तो इतने भी काफ़ी ज़्यादा है पर अगे जाके बंगला रोड से तो माहौल इस तो भी ज़्यादा होर बहुत वधिया हो जाता पार्टी वाला। चलते हैं उत्थे उत्थे जाके दिखाने थोनू आ चैंग क्लब, मैं थोनू दिने भी दिखाया सी पर हुण रौनक इत्थे फुल होगी। ये बंगला रोड तो पहला वाला रोड मैं पहला दस ही हटिया, उत्थे इधर शांति हुंदी है, इत्थे फास्ट फूड ही मिलता है पर वेज इन्हां नू कहोगे तो मिल जूगा। देखो तुरे फिरदे आ लोग पर इन्ना ज़्यादा रश नहीं, जे तुसीं शांति नाल बैठना कुछ खाना पीना इत्थे भी बैठ सकते हैं। इधर धूम धड़का घट है, सलून सलान बने हुए हैं, मसाज पार्लर रेहड़ियाँ जूस होर रेस्टोरेंट काफ़ी सारे इधर है क्योंकि बंगला रोड के उपर ज़्यादा महंगा समान है इस करके रेस्टोरेंट थोनू साइड पर ही मिलने। इतों शुरू होंगे बंगला रोड जिथे पतौंग बीच लिखा, पूरा बंगला रोड ही है ये, दोनों साइड एंट्री पर पतौंग बीच लिखा होंगे। अजे तो स्टार्टिंग है, जिमें जिमें अगे जावे रश वधी जाता है, क्लबों के डीजे चली जाते होंगे, लाइव म्यूजिक लोग आए बैठे अपना खाई पी जाते हैं, बस तुरे फिरदे देखी जाते हैं, कुछ लोग बैठ के आपका टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ साढ़े अर्गे एक साइड तो दूजी साइड गेड़े देंगे दो चार। इस तरह के व्डे व्डे क्लब हैगे आ, बैठन सोफे लगे आ, बस रोड पर ही आ सारा कुछ, जिमें कि बैंकॉक के काउंसल रोड है कुछ उस तरह का ही है, शॉपिंग वाली दुकाना दुकाना होंगे काफ़ी। इंडियन रेस्टोरेंटा के बंदे इस तरह थोनों इतने खड़े आवाजा मारते मिल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट आ इतने पिछे आटमे हैं। बंगला रोड के उत्ते टैक्स वगैरह ज़्यादा पैंदा, खर्चा ज़्यादा पैंदा, ये थोनों सद के लै जाएंगे, तुसी इंडियन खा पी सकते हैं। उस तो बिना इस तरह दियाँ बहुत सारिया परफॉर्मेंस देंदे लोग इतने मिल जाते हैं, टूरिस्ट इन्हों टिप देंगे, इन्हों फोटो खिचाते हैं, फोटो खिचा के थोड़े बहुत इन्हों पैसे दे देंगे, होर भी बहुत तरह दियाँ परफॉर्मेंस बंगला रोड पर होंगे। अगे जाके देखते हैं नाले थोनों दिखाने। आ छोटे हाथी वांगू जिहड़ियां गड्डियां खड़ियां ये तैयार करा के इन्होंने टैक्सियां बनाईया। फूकट दे विच बहुत ज़्यादा चलते हैं, अलाए व्हील पाए आ, वड्डे वड्डे साउंड सिस्टम लाए आ इन्होंने, रेट इन्हां दा बहुत ज़्यादा मंगदे आ ये। जिथे फॉरचूनर टैक्सी वाला 200 च जांदा ये तुहाडे तों 500-600 मंगणगे ते घट च मंनदे वी हैने। इक आ बंदा आपदी परफॉर्मेंस दे रहा, काफ़ी घट है इत्थे, लोग बस टिप दे ही जांदे आ, इस तरह कोई गाने गा रहा कोई कुछ, काफ़ी लोग आउंदे आपदी आपदी परफॉर्मेंस दिंदे आ। बंगला रोड के उपर ही साइड पर एक आ फूड वाली मार्केट जी बनी हुई है, काफ़ी वड्डी है पर ज़्यादातर इतने सी फूड थाई फूड चाइनीज़ यहोजा कुछ ही देखता है। आ देख लो मच्छियां मुच्छियां कीड़े मकौड़े सारा सी फूड पिया, मच्छियां होर ही टिड्डे टुड्डे जिहा ज्यों दी फड़ के पानी च डुबो के रखे पए आ। इंडियन फूड नूं इत्थे आवाज़ तो मार रहे सी पर मैनूं कुछ देख नहीं रहा, आ पईआं मच्छियां। इस तो बिना फ्रूट जूस वो हैगा जरूर इस मार्केट के विच पर वेज वाली आइटम नहीं मैनू इतने देखती कोई होगी अपने काम की। ओके खाना खा लिया भाई? खाना खा लिया भाई, हाँ अभी तो खा लिया। और हाँ। कैसे हो है? और कैसे हो, हाउ आर यू यार। ये मैनू हिंदी च पुछदा सी कहिंदा खाना खा लिया भाई, थाई है पता नहीं बर्मा, बर्मा के कुछ लोग माड़ी मोटी हिंदी बोल लेंदे आ। आ बंगला रोड तो बाहर निकल के एक इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत सारे आ साइड पर है पता नहीं लगता। आ मेरे सामने थाई पुलिस वाले फिरदे आ, ये भी पूरी चौकसी रखते हैं, किसी ना लिहाज नहीं करते, चाहे लोकल थाई होवे गोरा काला कोई मर्जी होवे, हरेक नूं इन्हां ने टिकट चलान दे ही देना जे कोई गलती करूगा, तो चाहे स्कूटर चलाउंदे चाहे तुरे फिरदे। आ बाई नूं आपां आइसक्रीम बना के देण नूं कहा, मैंगो वाली आइसक्रीम आपां नूं बना के दिंदा, तुसीं वी देख लो तेजी तेजी किस तरह तैयार करदा इह, मौके ते बिलकुल फ्रैश बना के दिंदे आ।
ਬੰਗਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਹ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਕਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵੈਸੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਸਵੀਨੀਅਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਗਨੈਟ ਲੈਣਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।